एशिया न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मंजुल मंजरी। और अब खबर अपराध जगत की देख लेते हैं। मोतिहारी गैंगरेप हत्याकांड मामले में एसपी ने एक मृतका के परिजनों को एसपी कार्यालय बुलाया है, जहां उनसे मृतका के शव को जलाने का वायरल वीडियो और ऑडियो का सत्यापन कराया गया। साथ ही उनका बयान भी दर्ज किया गया है। एसपी नवीन चंद्र झा ने मामले की लीपापोती करने वाले थाना प्रभारी के खिलाफ कुर्की जब्ती का आदेश दे दिया है। इसके साथ ही अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के आदेश भी जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि आरोपी थाना प्रभारी अभी तक फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। कुंडवा चैनपुर वाले मामले में आज जो मृत बच्ची थी, उसके माता पिता और भाई का स्टेटमेंट लिया गया है पुलिस के द्वारा। आप लोगों के समक्ष भी उन लोगों के द्वारा बातें कही गई हैं। और वो जो प्राथमिकी में उन्होंने और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मोतिहारी से संवाददाता धनंजय हैं फोनलाइन पर। धनंजय, आज क्या कुछ इस मामले में अपडेट है आपके पास? जी, आज जो है गैंगरेप और हत्या के पीड़ित परिवारों के द्वारा आज पुलिस कप्तान नवीन चंद्र झा से मुलाकात की गई है। और वहां पे पुलिस कप्तान के द्वारा पीड़ित परिजन का स्टेटमेंट लिया गया है। और उस स्टेटमेंट से साफ स्पष्ट हो रहा है कि उसने पिछले दिनों जो नाबालिग लड़की के साथ जो गैंग रेप हुआ था, उसमें चार मंचलों के द्वारा गैंग रेप किया गया और उसके बाद में बाकी अन्य आरोपितों के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई है। जघन्य अपराध को हफ्तों बीत चुके और ये हाथरस से भी बड़ी घटना है, और अभी तक किसी भी आरोपी गिरफ्तारी ना हो पाना पुलिसिया जांच पे उस पर भी सवाल खड़े करते हैं। जी, पुलिसिया जांच पर तो सवालिया निशान तो खड़ा हो ही रहा है, लेकिन बहरहाल अब अपडेट इस मामले में यह है कि दो आरोपितों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और वहीं इस कांड में संलिप्त जो कुंडवा चैनपुर थाना अध्यक्ष जो संजीव रंजन है, उनके खिलाफ गिरफ्तारी का और कुर्की जब्ती का आदेश पुलिस कप्तान नवीन चंद्र झा के द्वारा दिया गया है। एक सवाल यह भी है धनंजय कि जो मृतका के परिजन है वो अपनी सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित हैं, उन्हें जान से मारने की धमकियां भी मिली है आरोपी के द्वारा, तो क्या उन्हें सुरक्षा मुहैया कराया गया है पुलिस प्रशासन के द्वारा? जी हाँ, पुलिस कप्तान नवीन चंद्र झा के द्वारा यह आश्वस्त किया गया है पीड़ित परिवार को, क्योंकि घटना के बाद सुरक्षा के लिए आश्वस्त कर दिया गया है, क्योंकि घटित घटना के बाद में और प्राथमिकी दर्ज होने के बाद में पीड़ित परिवार को आरोपी और उनके परिजनों के द्वारा नेपाल डरा धमका कर भगा दिया गया था। लेकिन यह पुलिस कप्तान नवीन चंद्र झा की एक पहल है, जिसके आधार पर पुलिस के द्वारा पीड़ित परिवार को पुनः नेपाल से और यहां लाया गया है और उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है। धनंजय, इस घटना की चर्चा पूरे देश भर में हो रही है, तो क्या अभी तक मृतका के परिजनों से मुलाकात करने कोई बड़े अधिकारी गए हैं? क्या आपके राजनीतिक पार्टी के कोई नेता वहां पहुंचे हो मुलाकात करने? राजनीतिक पार्टी के लोग तो ऐसे उनके उन लोगों से संपर्क करने का कोई अभी तक साक्ष्य सामने नहीं आया है, परंतु पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा पीड़ित परिवार को आश्वस्त किया जा रहा है उनके सुरक्षा से लेकर और उनके मुआवजे तक का, और दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई के लिए उनको सुरक्षा भी मुहैया कराया जा रहा है। जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका धनंजय। तो आपको बता दें कि मोतिहारी गैंगरेप हत्याकांड में आज मृतका के परिजनों का बयान दर्ज किया गया है और उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने का भी आदेश जारी किया गया है। वहीं आरोपी थाना प्रभारी के खिलाफ कुर्की जब्ती का आदेश दिया गया है। अभी तक इस मामले में आरोपी थाना प्रभारी जो है वो फरार चल रहे हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।